बेटा तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो? सर मम्मी पापा लड़ रहे थे आपस में। आपस में वो दोनों लोग लड़ रहे थे, तुम देर से क्यों आए स्कूल? मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा जूता पापा के पास था, तो क्या करूं बिना जूता के आ जाऊं स्कूल? तू जहां जहां जाएगा साथ में मेरा साया होगा। मुझे तो पहले से ही लगता था कि तू भूतनी है। टमाटर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? चुपचाप कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो रजनीकांत है नहीं कि उससे शायरी बुलवा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, ये लाइन बहुत अच्छी है। एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। तब भिखारी ने बुढ़िया अम्मा से बोला, भगवान के नाम पर दे दो कुछ माता जी, 4 दिन से कुछ खाए नहीं है। तब बुढ़िया अम्मा ने 500 के नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं? तब भिखारी ने बोला, हाँ हाँ माता जी, खुले हैं हमारे पास। कैसा लगा भाइयों? कभी भिखारी को भिखारी ना कहना, सिर्फ नाम के हैं भिखारी, काम के भिखारी नहीं है भाई साहब। भाई मेरी और मेरी जान की शादी हो रही है। अरे वाह, बधाई हो, कब हो रही है? भाई मेरी 20 जून को और उसकी 6 जुलाई को। जज के रहते हुए मालिक के घर में चोरी कैसे की तुमने? जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप क्या करोगे ये सब सीख के?